ऐसा तुम्हारे कहते हैं कि मुझे, मैंने सुना है कि तुम विंडमिल्स बहुत अच्छे बनाते हो। विंडमिल्स क्या होती है? जिससे एनर्जी और प्रोड्यूस हो रही है। और वो तो हजरत तुम्हारे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए भी क्या बनाओगे, एक विंडमिल बनाओगे। ऐसी दोस्ती यारी में मजाक मजाक में कहा कि मुझे लगता है तुम मेरे लिए विंडमिल बनाओगे। अब अबू लूलू फिरोज को अंदर से गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब अबू लूलू फिरोज ने क्या करा, इन्होंने कहा आई विल मेक सच अ मिल, दो साउंड विल बी हियर्ड बाई ईस्ट एंड वेस्ट। मैं ऐसा मिल बनाऊंगा ना, उसकी आवाज आएगी ईस्ट और वेस्ट में। वो असली में टॉन्ट मार रहे थे कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा बदला लूंगा ना कि मतलब हर जगह, क्योंकि ये इनको मार देंगे, तो जब मार देंगे तो पूरी खिलाफत पे फैल जाएगी ना, ईस्ट और वेस्ट, ये बात फैल जाएगी कि हजरत उमर की डेथ हो गई। तो अबू लूलो फिरोज क्या करते हैं, ये टॉन्ट मारते हैं। अब हजरत उमर को कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है कि वो नाराज हो गए या कुछ हुआ है। हजरत उमर तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई इतना टैक्स तो पे करना, आपको हम टैक्स से कैसे बचाए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि सब लोग नमाज पढ़ने जमा होते हैं और हजरत उमर लीड कर रहे होते हैं नमाज को। जब हजरत उमर लीड कर रहे होते हैं नमाज को, तो अबू लूलो फिरोज पहुंच गया वहां पे, पॉइजनस डैगर लेके, छोटा सा छुरा था और वो पॉइजनस था। हजरत उमर को वो 6 दफा मारते, मतलब 6 दफा पेट के अंदर डाला फिर निकाला, फिर डाला फिर निकाला, इस तरीके से हजरत उमर को 6 दफा क्या करते हैं, हिट करते हैं। हजरत उमर क्या करते हैं, जमीन पर गिरते हैं और अब्दुल रहमान को कहते हैं कि मेरी जगह पर आ जाओ और क्या करो, नमाज को लीड करो। अब क्या होता है कि बाकी जो पीछे वाले लोग होते हैं वो किसी तरीके से फिर हजरत फिरोज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिरोज को ये लोग पकड़ तो लेते हैं, लेकिन फिरोज दूसरों को इंजर्ड तो करता है, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं तो फिरोज अपने आप को भी मार लेता है। क्या कर लेता है, अपने आप को भी मार लेता है, एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड। आप ये बताओगे कि हजरत उमर की जो है वो 4 दिन के बाद क्या हो गई, डेथ हो गई, और फर्स्ट मुहर्रम को क्या हो गई, उनकी डेथ हो जाती है। और आप ये बताओगे हजरत सुहेब ने उनकी फ्यूनरल प्रेयर्स पढ़ाई थी और हजरत अली और ने उनको दफनाया था होली प्रॉफिट के बराबर के अंदर। तो आप इस तरीके से हजरत उमर की मार्टिरडम बताओगे, पेपर के अंदर आती है, 10 मार्क की नहीं आएगी, लेकिन मिलाकर कहीं पर भी मार्टिरडम आ सकती है शहादत, कि उनकी शहादत कैसे हुई। तो क्रिश्चियन स्लेव कौन था, अबू लूलो फिरोज, उसने कंप्लेन करी हजरत उमर से कि मेरा मास्टर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि टैक्स क्या कर दें, कम कर दें। फिर आप क्या बताओगे, हजरत उमर ने क्या करा, हजरत उमर ने उनको कहा कि भाई टैक्स बिल्कुल सही है, 2 धर्म पर डे ही होना चाहिए। उसके बाद आप ये बताओगे, बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा सा उसकी तस्वीर में थोड़ी सी ब्लिंक वो भी है ब्लर, इसकी वजह से वो ऐसा हुआ है। हजरत उमर जो है वो आज टैक्स पूछा, तो हजरत उमर से जब टैक्स पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 2 धर्म पर डे जो है वो टैक्स लगेगा। हजरत उमर ने कहा चलो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये टैक्स आपका ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा, आपको ये फालतू का शिकवा है आपका। अबू लूलो फिरोज जो है वो डिसप्लीज हो जाता है, वो नाराज हो जाता है। हजरत उमर अबू लूलो फिरोज को कहते हैं कि तुम मेरे लिए विंडमिल बनाओगे, तो अबू लूलो फिरोज कहते हैं कि हाँ ऐसा बनाऊंगा जिसकी आवाज ईस्ट में भी आएगी वेस्ट में भी आएगी। नेक्स्ट डे वो लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं, तो अबू लूलो फिरोज आता है और अबू लूलो फिरोज क्या करता है, पॉइजनस डैगर मारता है। अच्छा, बहुत सारी रिवायतों के अंदर आता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो पहली सफ के अंदर खड़े हुए थे और फिर डैगर मारा था, और कुछ रिवायतों के अंदर आता है कि वो क्रिश्चियन थे और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा था, वो ऐसी मस्जिद के अंदर घुस के उन्होंने मारा था। हजरत उमर ने क्या करा, हजरत उमर को जब 6 दफा उन्होंने हिट करा, तो 6 दफा हिट करते हुए हजरत उमर जमीन पर गिर गए। हजरत अब्दुल रहमान ने उनकी नमाज क्या करी, उनकी जगह पढ़ाई। फिर हजरत फिरोज ने अपने आप को भी इंजर्ड करा और दूसरे को भी इंजर्ड करा। और उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या, यहाँ पर ये जिन बच्चे को समझ नहीं आया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट फिरोज कमिटेड सुसाइड, ये क्या लिखा हुआ है, फिरोज कमिटेड सुसाइड। हजरत उमर ने क्या, अगर आप क्या बताओगे, हजरत उमर जो थे डाइड आफ्टर 4 डेज, ये क्या लिखा हुआ है, डाइड आफ्टर 4 डेज, और कब डेथ हुई, फर्स्ट मोहर्रम को डेथ हुई, कब डेथ हुई, फर्स्ट मोहर्रम को। हजरत सुहेब ने किसको मारा, फ्यूनरल प्रेयर्स को लीड करा था, किसको लीड करा था, फ्यूनरल प्रेयर्स ने। और हजरत अली ने क्या करा था, हजरत अली और ने उनको दफनाया था, और इस तरीके से हमारी कैलिफेट हजरत उमर की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।